कितना अजीब लगता होगा आपको, देखिएगा वो फोटो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं, जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सी आई एम नॉट हियर टू सेव द पार्टी, प्लीज आई एम रिस्पेक्टिंग यू एज ए सिटीजन, यू कैन रिस्पेक्ट माई राइट। देश खतरे में है और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुझे लगता है आप भी सोचते होंगे, समझ रहे हैं अंग्रेजी का वो फ्रेज है डांसिंग ऑन डेड, डेड बॉडी पे कोई नाच रहा है, उस दिन खाना तो नहीं खाया गया। आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए, मेरे गांव में अगर किसी की मौत हो जाए तो पूरे गांव में खाना नहीं बनेगा, हजारों लोग मर गए। देखे 71 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री के लिए सोहर गाया गया, नया बच्चा जो पैदा होता है ना तो पूर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग, प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं उनके लिए सोहर गाया जा रहा है, तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, आप में से कोई भी ऐसा इंसान है जिसके कोई जानने वाले नहीं मरे हो इसमें, इस क्राइसिस में, इतना बड़ा क्राइसिस जिसके देश में हुआ हो अभी तुरंत वो अपने जन्मदिन का जश्न मनाएगा, ये भोंडापन है। इस संस्कृति को बचाने की जरूरत है और इस संस्कृति को बचाने के लिए मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्षमता मौजूद है, लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत यह है कि पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए इस पार्टी को यह जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और उस जिम्मेवारी को संभालने के लिए मैं यहां आया हूं। थैंक यू न्यूज नेशन, आई विल कम टू यू। जनता पार्टी का आरोप को कौन पूछता है, आपका ऊपर को आपका कोई आरोप है मेरे ऊपर? भारतीय जनता पार्टी को मैं सीरियसली नहीं लेता हूं, आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिए। साहब जो साथी पीछे खड़े हैं थोड़ा आप शांति का दान दीजिए प्लीज। अरे भैया प्लीज, दुबे जी आप पूछिए प्लीज, आस्क योर क्वेश्चन क्विकली। या प्लीज यू कैन नॉट इंटरप्ट, नो नो यू हैव टू हैव डिसिप्लिन, माय हम्बल रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड्स, देयर इज नो बट यस यस आई एम नॉट प्राइम मिनिस्टर, आई विल टेक योर क्वेश्चन, डोंट वरी। डेमोक्रेसी मींस दैट यू शुड नॉट सुपरसीड समबडी हु इज आस्किंग क्वेश्चन, दैट्स व्हाट डेमोक्रेसी। दुबे भाई आपका सवाल है न्यूज नेशन से है, अच्छा बारी बारी जल्दी से पूछिए ना। नहीं नहीं और लोगों ने किया, नाम बताएंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूँ, मेरे हमारे देश के लोगों के पॉलिटिकल इमेजिनेशन को कुछ हो गया है, अभी क्या हो गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमने अपनी आपके सवाल को अपने आप लेते हुए हमने अपने पूरे वक्तव्य को रखा, हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं, BCCI थोड़ी है सर, मतलब टीम बना रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारत की परंपरा, चिंतन परंपरा, सोच जिस पे आपको गर्व होता है भारतीय होने के चलते, उस परंपरा को समेटने का, उसको आगे बढ़ाने का काम देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने किया है। उस पार्टी के पास एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है और इस देश का नागरिक होने के चलते, साथी जिग्नेश ने कहा, यह हमारी भी ऐतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हमसे भी पूछा जाएगा, दुबे भाई आपसे भी पूछा जाएगा कि जब ये तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। हमने वो कहानी सुनी है बचपन में, आपने भी सुना होगा, जंगल में आग लगी, एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी, कम से कम कोयल का वह ऐतिहासिक प्रयास जो है वो इतिहास याद रखेगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना डूबती हुई नाव, देखिए कभी कभी ना इंसान को भ्रम होता है, जैसे टिड्डे को भ्रम होता है कि वो अपने पांव से आसमान टिका रखा है, हमको ऐसा कोई भ्रम नहीं है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, जब आप जुड़ेंगे हम जुड़ेंगे, इस देश के संविधान में
आइडिया ऑफ इंडिया में भरोसा करने वाले लोग जो हैं, जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं सर भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत, जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत, श्री कृष्ण सिंह के सपनों का भारत, जगजीवन राम के सपनों का भारत, मौलाना अबुल कलाम आजाद के सपनों का भारत, उस भारत को बचाने की बात मैं कर रहा हूं। और सियासत, मैं बार बार कहता हूं, अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज है ना, मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है। अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी, लेकिन जब आ गए ना अपने पे, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था, जब से भारत के लोग अपने पे आ गए ना, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब नारा महात्मा गांधी ने दिया था, तो अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा था। और उस वक्त जो लोग अंग्रेज से पेंशन ले रहे थे, माफी मांग रहे थे, वो आज एनसीईआरटी की किताब बदल रहे हैं कि अपना नाम भी हम वीरों में लिखवा लें। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को, उस चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। पार्टी अगर उस सिद्धांत पे चलेगी, संविधान के प्रीएम्बल को रक्षा करने की कोशिश करेगी, पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी, ऐसा मेरा उम्मीद है, ऐसे मेरी आशा। जैनेंद्र फ्रॉम एबीपी, कैन यू प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क। हाँ पूछिए जरा, एक सवाल पूछिए। हम एक आग्रह करें, आप लोग ना लड़ाई नहीं लगवाइए हमारे दोस्त के बीच में। भोरे से जो है ट्विटर पे आप लोग क्या क्या चला दिए हैं, और लोग हमको पूछ रहा है कि जिग्नेश का नाम काहे नहीं ट्रेंड कर रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, हम ना अलग अलग लोग नहीं हैं, यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है। तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो, मंच के तरफ मुखातिब हो, मैं भी जवाब दे दूंगा। यस जैनेंद्र जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। बड़ा जैनेंद्र भाई, बड़ा वैचारिक सवाल पूछे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र भाई। एक तो देखिए, हमारी जो ये नई पार्टी है, इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं। इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक शब्द नहीं बोला था। हम कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं, लेकिन केरल के विधानसभा चुनाव में नहीं, जेएनयू के प्रेसिडेंशियल स्पीच में बोले थे। देखिए, हमको हमारा इतिहास पता है और हम यही कहते हैं, इतिहास का को तोड़ा और मरोड़ा नहीं।